नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का धर्मेंद्र अकेडमी में। आशा करता हूँ मित्रों आप सभी सकुशल होंगे। मित्रों, यह DLED के थर्ड सेमेस्टर संस्कृत का सप्तम प्रश्न पत्र है जिसका हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं और ये सॉल्यूशन 100% राइट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, ज वर्ण का उच्चारण स्थान है। आप जानते हैं इचु या स्थानम तालु, यानी ई और चा वर्ग में आते हैं चा छा जा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उच्चारण स्थान है जा वर्ग का तालु। ऑप्शन प्रश्न दो है आपका, आजीवनम समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आजीवनम जीवन भर, इन सब में समास होता है अव्ययी भाव। राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री अव्ययी भाव समास होगा आजीवनम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आगच्छत रूप है। आगच्छत रूप आपका ऑप्शन ए प्रथम पुरुष का रूप है, गच्छति का एक वचन का प्रथम पुरुष का रूप है। क्वेश्चन नंबर फोर है, सर्वनाम शब्द है। अब जानते हैं संज्ञा शब्द के जो अर्थ रूप करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए पुस्तकम, जो कि सर्वनाम शब्द है और दिए हुए तीन सर्वनाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नद्या शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। जब नदी का रूप पढ़ेंगे तो नदी नदा नदौ नदी नद्या नद्या, तो यह विभक्ति एक तो षष्टमी में आता है और सप्तमी में आता है। सप्तमी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए तो इसकी राइट आंसर होगा षष्टी विभक्ति का रूप है ये, ऑप्शन एक राइट आंसर होगा इसका आपका। अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न हम आते हैं जिसमें फर्स्ट है छठवां है, दीर्घ संधि का सूत्र है। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकाश सवर्ण दीर्घ, अकाश सवर्ण दीर्घ, ये दीर्घ संधि का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सह साकम सामम सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया। जब राम का वचन पढ़ेंगे रामा राम रामा रामम रामे रामे रामात रामस राम, तो रामम यानी कौन सी विभक्ति है इसमें, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इन सभी में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप है। क्वेश्चन नंबर एट है, न्यायत पथ प्रविचलंत पद न धीरा। श्लोक का अर्थ बताना है, यानी जो धैर्यवान लोग होते हैं, इसका अर्थ है धैर्यवान लोग या जो सज्जन पुरुष होते हैं या धैर्यवान जो लोग होते हैं वो न्याय के मार्ग पर चलते हुए अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते। यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, वो अपने पथ से पथ पर चलते हुए न्याय के मार्ग पर चलते हुए पथ पर कभी अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। 21 संख्या को हम संस्कृत कैसे लिखते हैं, 21 को लिखेंगे एक विंशति, एक विंशति, क्योंकि आप जानते हो संस्कृत में इकाई अंक पहले आता है और दहाई अंक अंत में लिखा जाता है, इसलिए एक विंशति यानी 21 को हम लिखेंगे एक विंशति। क्वेश्चन नंबर 10 है, सप्ताधारी शब्द में कौन सा समास है। अगर प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो क्या बोलते हैं, तो उसमें द्विक समास होता है। कौन सा समास होता है उसमें, द्विक समास होता है, इसलिए अष्टाधारी में कौन सा समास होगा, अष्टाधारी या सप्ताधारी में द्विक समास होगा, यानी सात अध्यायों का समूह, ऐसे ही अष्टाधारी आठ अध्यायों का समूह, त्रिभुवन तीन भवनों का समूह। क्वेश्चन नंबर 11 है, अस्मद शब्द के द्वितीय व्यक्ति के तीनों वचन लिखिए। तो अस्मद शब्द के द्वितीय व्यक्ति के तीनों वचन है, देखिए जिसमें फर्स्ट आएगा माम एक वचन में, द्विवचन यानी आवाम, और तृतीय वचन में आएगा आसमान, 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 इस तरह लिखा जाएंगे, यानी तीनों वचन, प्रथम वचन द्वितीय वचन तृतीय वचन। लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें गम धातु का लट लकार का रूप लिखना है। तो गम धातु का लट लकार का रूप होता है मित्रों, काफी लंबा है इसलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तो प्रथम द्वितीय और तृतीय में चलेंगे हम, तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यतः, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्याय, ये आपके गम धातु के लट लकार का रूप होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में भाव स्पष्ट करना है। पृथ्व्याम लीण नहीं होगा मित्रों, यहाँ गलत छपा हुआ है, तृण होगा ये, तृण। पृथ्व्याम तृण रत्नानि
जलमन्नम सुवासितम मूले पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विद्यते। तो इसका अर्थ होगा इसका मित्रों, पृथ्वी पर सिर्फ तीन ही रत्न है, यहाँ तीन होगा, पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जिसमें फर्स्ट है जल, अन्न और अच्छे वचन। ये तीन रत्न हैं पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर भी मूर्ख लोग क्या करते हैं, फिर भी मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। यह इसका अर्थ होगा हिंदी में, यानी पृथ्वी पर तीन रत्न हैं जिसमें जल, अन्न और अच्छे वचन हैं, फिर भी मूर्ख लोग जो हैं पत्थरों के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संस्कृत में सस्वर पाठन की उपयोगिता क्या है? तो इसका आंसर होगा, तो जिसमें फर्स्ट होगा, बालक में वचन करते समय, यानी जो बालक वाचन करता है उस समय स्वर उचित गति लय का प्रयोग करने की योग्यता विकसित करना, भाषा प्रभाव व स्पष्टता पर ध्यान देना, वाचन करते समय वाणी पर नियंत्रण करना, उच्चारण तथा स्वर में स्थानीय बोलियों का प्रभाव नाने पर देना, विषय वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ भाव ग्रह करने की योग्यता प्रदान करना। ये सभी क्या है, संस्कृत में सस्वर पाठन की उपयोगिता है। 17 से 20 तक संख्या को संस्कृत में लिखना है आपको, 17 से 20 तक को संख्या में लिखेंगे इसे, तो 17 को लिखेंगे हम सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को हम लिखेंगे नवदश लिख लो 19 को, या एक उनविंशति या उनविंशति, और 20 को लिखेंगे हम विंशति। इस तरह इनको संस्कृत में लिखेंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कबूतर, परवल, जामुन, कटहल, तोता, गिलहरी, इन सबको संस्कृत में लिखना है। तो कबूतर को हम कपोत लिखते हैं संस्कृत में, या परावत, परवल को हम लिखते हैं पटोल, जामुन को लिखते हैं हम जम्ब, और कटहल को लिखते हैं हम पनसम, और तोता को लिखते हैं हम सुक, और गिलहरी को लिखते हैं हम चिक्रोड़ या ब्रच मार्जर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपादान कारक पंचमी व्यक्ति का प्रयोग उदाहरण सहित करिए, या पानी अपादान पंचमी, तो अपादान पंचमी का तो सूत्र होता है इसका अपादान पंचमी, जैसे पापाद बिरमति, यानी पाप से डर लगता है उसे, यानी यह वो क्या करता है, पाप से घृणा करता है, यानी दूर हो रहा है। अपादान का मतलब होता है दूर होना, यानी जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो जिसमें फर्स्ट है, तुम सब कहाँ जाते हो, इसका संस्कृत अनुवाद होगा त्वम कुत्र गच्छसि। इसी तरह राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मित्रों, लक्ष्मण रामेण सह वनम गतः। इसी तरह थर्ड का होगा, सूर्य को नमस्कार है, यानी सूर्याय नमः, इसका संस्कृत अनुवाद होगा। इसी तरह फोर्थ है, वृक्ष से पत्ते गिरती, यानी वृक्षात पत्राणि पतन्ति। आशा करता हूँ मित्रों आपने अपने प्रश्नों को जांच लिया होगा, और आपको प्रश्न ठीक लगे हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर, और आगे वीडियो पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद मित्रों।